नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइस हस्क के बारे में। राइस हस्क क्या चीज़ होती है, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी और गार्डनिंग में इसका क्या यूज है और क्या है ये इसका डिसएडवांटेज है, तो कैसे यूज करना है, क्या इसके फ़ायदे हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं चूँकि अपने काफ़ी टाइम से मैं ये राइस हस्क को यूज कर रहा हूँ, तो कैसे यूज कर रहा हूँ, क्या क्या उसके फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं, तो पूरी हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं राइस हस्क के बारे में। पहले मैं उसको राइस हस्क के बारे में बात करने से पहले आपको अपनी मिट्टी दिखा दूं कि ये देखिए, ये मेरी मिर्च लगी हुई है और आप देखिए बिना किसी टूल की मदद से मैं इस मिट्टी को आराम से, ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितनी ज़्यादा एयरी होगी। अगर हम जो इसमें ये कहिए कि मिट्टी जो है पोरस होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मिट्टी, देखिए ये राइस हस्क मिली हुई है और आप बिना किसी टूल्स की मदद से मिट्टी काफ़ी भुरभुरी मिलेगी आपको। तो पहला बेनिफिट ये है, राइस हस्क मिलाने के बाद मिट्टी ऐसी आपको मिलती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि राइस हस्क होता क्या है। राइस हस्क देखिए मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार से, ये मैंने बोरी में भर के रख रखा है, मैं काफ़ी टाइम से राइस हस्क यूज कर रहा हूँ। ये जो चावल होता है उसे कुटाया जाता है, चावल जब निकल जाता है तो उसके बाद जो उसके छिलके होते हैं वही ये राइस हस्क है। और ये जो है, ये देखिए जैसा आपको दिख रहा है, ये करीब 50-70% डिकम्पोज हो चुका है। जो फ्रेश राइस हस्क होता है वो काफ़ी गोल्डन सुनहरे कलर का होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं पर वो थोड़ा डिकम्पोज होने में टाइम लेता है। तो अगर आपको इस तरह की पुरानी राइस हस्क मिल जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, नहीं मिलती है तो आप फ्रेश राइस हस्क भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं राइस हस्क मिलेगी कहाँ से। आजकल ऑनलाइन भी राइस हस्क काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी है पर वो बहुत ही कॉस्टली है, यूँ समझ लीजिए 150-200 रुपए किलो मिलती है। और ये देखिए आप, ये एक कट्टा है, एक बोरा, और इसे मैंने मात्र 50 रुपए में अपने यहाँ लिया हुआ है। मैंने लिया है ये जो राइस मिल होती हैं जो तेल पीरते हैं या फिर आटा चक्की होती है, तो वहाँ एक मिल गया जो उसके पास ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, तो मैं अपने लिए वहीं से लेके आता हूँ। ये 50 किलो के आसपास की एक कट्टा जो है वो मुझे 50-70 रुपए में मिल जाती है। तो आप भी पता कीजिए, आपके यहाँ लोकल मार्केट में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। तो इस प्रकार से राइस हस्क आप ले सकते हैं। और इसके जो यूजेज हैं मैं आपको बताऊं, एक तो जो इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, ये मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा भुरभुरा बना देती है। तो आप कोकोपीट और सैंड की एब्सेंस में इसको यूज करें तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, तो मिट्टी में एरेशन काफ़ी अच्छी होती है, रूट्स को फ्रेश ऑक्सीजन एयर प्राप्त होता है, तो उससे भी पौधे काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप करते हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी मिट्टी का काफ़ी अच्छा कर देता है। ये राइस हस्क जो भी वाटरिंग आप करते हो तो ड्रेन होकर पानी जो है नीचे की तरफ निकल जाता है। तो इसके कई सारे फायदे हैं जिनमें मैं फिर से एक बार रिपीट करूँ कि एरेशन सिस्टम अच्छा करता है मिट्टी का, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा पोरस और भुरभुरी बना देता है। तो ये कुछ मेन इसके जो है एडवांटेजेस हैं। और अब मैं आपको बताऊं इसको कि जो ये डिकम्पोज होने के बाद जो मिट्टी के लिए न्यूट्रिशंस इसमें से मिलते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा कार्बन ये होल्ड करके रखा हुआ, कार्बन ज़्यादा रिलीज करता है, तो कार्बन से मिट्टी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा, मिट्टी के जो गुण होते हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं, मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो और अच्छी हो जाती है मिट्टी में जब कार्बन मिल जाता है। तो इस वजह से इसको यूज करना और ज़्यादा उपयोगी है। अब इसको यूज कैसे करना है, तो मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, कोकोपीट को आप अपनी गार्डन सॉयल में जो भी गमलों के लिए मिट्टी बना रहे हैं उसमें 50-60% तक कोकोपीट आप यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप 30% गार्डन सॉयल यूज कीजिए, 20% उसमें काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट यूज कीजिए और 50% तक आप राइस हस्क यूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना यूज करना, आप कम भी यूज कर सकते हैं।
तो मैं जो मिट्टी बनाता हूँ उसमें करीब 30-40% मैं राइस हस्क यूज़ करता हूँ, 40% मैं गार्डन सॉइल यूज़ करता हूँ, उसके अलावा जो 20% बच रहा है उसमें मैं काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट ऐड करता हूँ। तो इससे क्या होता है दोस्तों, एक तो जो मिट्टी का वेट है, जो गमले का वेट होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है, क्योंकि राइस हस्क काफ़ी हल्की होती है और काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो इससे जो हमने जो वेट आप मिट्टी से गमले को भरते हैं उसके आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है वेट पॉट का राइस हस्क मिलाने के बाद। तो मिट्टी में सीधे मिला लेना है और मिला के फिर गमलों को भर लेना है इसे अच्छे से, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि राइस हस्क मल्चिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो राइस हस्क जो है वो आप पौधों पर मल्चिंग भी इससे कर सकते हैं और ये पौधों को आप डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाता है। तो मैं आपको मल्चिंग करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा अपराजिता का पौधा है और इसकी मिट्टी देखिए ड्राई हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। तो मैं इसमें मल्चिंग करूँगा राइस हस्क से, कुछ नहीं करना है, ऊपर की एक लेयर जो है आपको इस राइस हस्क से इस पर बना देनी है। अब इसके दो फायदे होंगे, पहला कि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आपकी जो गमले की मिट्टी है वो नहीं आएगी, तो मिट्टी में नमी जो है वो देर तक बनी रहेगी और ऊपर की जो रूट्स हैं वो ड्राई नहीं होंगी जल्दी, पहली चीज़। दूसरी, जब भी आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिस्क के नीचे मिट्टी में जाएंगे और रूट्स को डायरेक्ट मिलेंगे। तो ये दो फायदे आपको मल्चिंग करने में भी राइस हस्क के मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से राइस हस्क आप यूज़ कर सकते हैं, राइस हस्क को मार्केट से ले सकते हैं कम दाम में। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।